सो हेलो पीपल, दिस इज योर चैनल सी टी वी एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू रिवाइज एस ए 240। तो इट इज एस ए 240 में ये सारा कॉन्टेंट है, इन द सेंस कि हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे एस ए 240 में। तो सिंस आपके पास जो अपने नोट्स है, जिससे भी आप पढ़ते हो, उसमें भी ये सारा पॉइंट तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपके नोट्स लेकर बैठना है एंड देन इस वीडियो को प्ले करना है, आपको जो है इजीली सब चीज़ें जो है समझ में आ जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं एस ए 240 में बिना किसी देरी के। एस ए 240 का नाम क्या है? ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की जिम्मेदारी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट होता है, ठीक है, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट होता है, तो ऐसे केस में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? फ्रॉड के रिस्पेक्ट में, राइट। तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं कर रहा, वो फ्रॉड के रिस्पेक्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा है। तो अगर जब वो फ्रॉड के रिस्पेक्ट में ही बात कर रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हम पहले फ्रॉड समझते हैं कि मीनिंग एंड नेचर ऑफ फ्रॉड होता क्या है। देखो, अब देखो, फ्रॉड क्या होता है? एक इंटेंशनल एक्ट होता है, ठीक है, एक इंटेंशनल एक्ट होता है, वो भले ही कोई भी करे, ठीक है। तो इंटेंशनल एक्ट इन्वॉल्विंग द यूज़ ऑफ डिसेप्शन, तो आप एक इंटेंशनल एक्ट कर रहे हो, उस एक्ट में इन्वॉल्व है डिसेप्शन, ठीक है, मतलब कि एक चालाकी, तो एक इंटेंशनल एक्ट कर रहे हो जिसमें डिसेप्शन इन्वॉल्व है, ठीक है। वो काय के लिए कर रहे हो? टू ऑब्टेन अनजस्ट और लीगल इलीगल एडवांटेज, तब इलीगल इंटेंशनल एक्ट कर रहे हो जिसमें आपकी चतुराई एक डिसेप्शन इन्वॉल्व है। और ये सब क्यों कर रहे हो? ताकि आप एक इलीगल और एडवांटेज ले सको, इलीगल और अनजस्ट एडवांटेज ले सको। ऑब्वियसली बात है कि ये जो है इंटेंशनल एक्ट, ये कोई भी कर सकता है अपने में से, मैनेजमेंट, TCWG, कोई भी एम्प्लॉय, थर्ड पार्टी, कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो वैसे भी हमको जो है सारे फ्रॉड से लेना देना नहीं होता है। देखो, एक पर्टिकुलर फ्रॉड है, हमको पता है कि इसका मतलब होता है फ्रॉड, बट फ्रॉड दैट कॉज मटेरियल मिसस्टेटमेंट, अगर जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट कॉज करता है, तो ऐसे केस में ऑडिटर उससे ही कंसर्न है। तो ऑडिटर कंसर्न विद फ्रॉड दैट कॉज मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है। अब मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो है, ठीक है, तुम क्या समझे कि ऑडिटर को जो है सारे फ्रॉड से मतलब नहीं है, ऑडिटर इज कंसर्न विद दैट फ्रॉड दैट कॉज जो है दैट कॉज मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और मटेरियल मिसस्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू टाइप के होते हैं, एक तो मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है, और मिसस्टेटमेंट फ्रॉम मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। तो टू टाइप ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हमने देखा कि जो मिस स्टेटमेंट है रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और मिसस्टेटमेंट फ्रॉम मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, एक ये पोर्शन हो गया, और एक हो गया मिसस्टेटमेंट एज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल और असर्शन लेवल पे, राइट। अब सोर्स ऑफ मिसस्टेटमेंट, मिसस्टेटमेंट के सोर्सेस क्या है? तो मिसस्टेटमेंट फ्रॉम फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड जो है मिसस्टेटमेंट फ्रॉम अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, ठीक है, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। तो हम सबसे पहले जो है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है, जब मिस स्टेटमेंट फ्रॉम फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, तो इसके सोर्सेस क्या है, राइट। तो ठीक है, सोर्स ऑफ मिस स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट फ्रॉम फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है। तो ये जो पॉसिबल सोर्स ऑफ मिस स्टेटमेंट है, कि जो मिस स्टेटमेंट फ्रॉम फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, इसके पॉसिबल सोर्सेस क्या है, ठीक है। अभी अपन ने बात करी कि फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, इन तरीकों से, मतलब कि दो टाइप के मिस स्टेटमेंट होते हैं, पर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में तो बहुत सारे सोर्सेस हो जाते हैं ना, इन सारे सोर्सेस के थ्रू जो है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मिस स्टेटमेंट हो सकता है। वैसे ही हम जो है सोर्सेस पढ़ेंगे जहाँ से जो है वो शो हो रहा है कि ये फ्रॉडुलेंट जो है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स से ये फ्रॉड क्रिएट हो रहा है। तो बात आती है अकाउंटिंग प्रिंसिपल और अकाउंटिंग रिकॉर्ड, ठीक है। तो अकाउंटिंग, जैसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मिस एप्लीकेशन कर रहे हो, या अकाउंटिंग जो है रिकॉर्ड्स का आप जो है फॉल्सिफाई कर रहे हो, अल्टर कर रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में दो ही तो चीज़ें आती है, एक तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड और अकाउंटिंग प्रिंसिपल, राइट। अब जब अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड को जो है आप सबसे पहले ना वो सारे नेगेटिव वर्ड्स याद रख लो। तो इसको ऐसा कर सकते हैं कि ओमी और मनी को मैंने माफ़ कर दिया, तो ओमी से है ओमिशन, मनी से है मैनिपुलेशन, मैंने माफ़ कर दिया, तो मिस, ठीक है, वन सेकेंड, मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, अल्टरेशन, फॉल्सिफिकेशन, ये सब आप कर सकते हो। फिर ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, या बोल सकते हैं मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है ये देखा, ये मतलब कि ये सोर्सेस है, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे वेज टू कमिट फ्रॉड, क्या ये तो सोर्सेस है कि इन एरियाज में आप कर सकते हो, कि आप ले जाके दो एरियाज है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल और अकाउंटिंग रिकॉर्ड, पर अब तरीके क्या है, वेज क्या है, ओके। तो वेज टू कमिट फ्रॉड में जो है किस तरीके से आप फ्रॉड कमिट कर सकते हो, उसको जो है इसका निमोनिक है ताज फैक्ट्स, ताज के फैक्ट। तो ठीक है, अब हम जो है अब इसी सीक्वेंस में जो है समझेंगे। ताज के ऊपर 3, ठीक है, टी के ऊपर 3, ए के ऊपर 2 और जे के ऊपर 1, ऐसे ताज हो जाएगा, ठीक है, जैसे मैंने लिख के रखा है, और फैक्ट, ठीक है। तो टी ए जे क्या है?
टी से पहले ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन पे तीन पॉइंट है कि देखो पहला तो पहला पॉइंट ये है कि ट्रांजेक्शन को तो यार आप तो ओमिट ही कर दो, ठीक है, ओमिट से पैसा निकाल दो फाइनेंशियल पोजीशन, क्योंकि हम तो समझ रहे हैं वेज ऑफ फ्रॉड, ठीक है, तो आप जो है ओमिट कर दो, ओमिट कर दो, या तो आप ज़्यादा एडवांसिंग कर दो, पहले बुक कर लो, या तो डिले कर लो, तो इस तरीके से आप कर सकते हो टी, ठीक है। टी पे एक और है कि कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन में एंटर हो जाओ और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मिसरिप्रेजेंट कर दो, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन में एंटर हो जाओ, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन में एंटर हो जाओ, जरूरत नहीं थी ट्रांजेक्शन में एंटर होने की पर हो गया, ये ताज हो गया, ठीक है, ताज, फिर डी हो गया, फिर ए है, ए से क्या है कि अजम्पशंस, अजम्पशन में ये बोलना चाह रहे हैं कि अजम्पशंस को ही चेंज कर दो, अजम्पशंस है, एस्टिमेट्स है, जजमेंट्स है, आप सिग्निफिकेंटली उसको चेंज कर रहे हो, ठीक है, कि प्रोविजन बनाना है और प्रोविजन बनाने के लिए आपने भयंकर अजम्पशन लेके रखे, कुछ तो भी 10-10% के प्रोविजन बना रहे हो, राइट। फिर वही अनयूजुअल जजमेंट यूज़ हो रहे हैं, अनयूजुअल जो है आप फिक्टिशियस जनरल एंट्री बुक कर रहे हो एट दी एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड, ताकि जो है आप बैलेंस दिखा सकते हो बैलेंस शीट में, तो ये जो है आप तो आगे का और लिख सकते हो, बट ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट के आगे आप लिख देना कि जो है आप ट्रांजेक्शन को ओमिट कर रहे हो एंड मिसरिप्रेजेंट कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस तरीके से आपको जो है स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे, बट जो मेन चीज़ है ताज फैक्ट वो हमने पढ़े, तो इस तरीके से हमने जो है क्या देखा, ताज फैक्ट, ठीक है। तो टी से क्या है, ठीक है, ट्रांजेक्शन के तीन पॉइंट है, ए से है और जे से, तो टी के बाद थ्री, तो ठीक है ट्रांजेक्शन को आप ऑल्टर कर दो, पहले तो आता है ट्रांजेक्शन को आप ओमिट ही कर दो, ठीक है, ओमिट इन द सेंस कि भैया ख़त्म ही कर दिया, या तो एडवांसिंग कर दिया, या तो डिले कर दिया, कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन में एंटर हो रहे हो, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन में एंटर हो रहे हो, अजम्पशंस, ठीक है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को अल्टर कर रहे हो, अजम्पशंस इन अप्रोप्रिएट ले रहे हो, जैसे अगर जजमेंट तुम्हारे प्रॉपर नहीं है, और जो जनरल एंट्री फिक्टिशियस जनरल एंट्री आप जो है एट दी एंड यूज़ कर रहे हो, और टीम में एक और जोड़ लेना कि आप जो है चेंज करो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट जो था, कि आप अल्टरिंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट जो भी है, और फिर फैक्ट है कि कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट कर रहे हो ले देकर जो है, तो इससे जो है आप शो कर रहे हो कि इस तरीके से इन वे से आप जो है फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के रिस्पेक्ट में, ठीक है, आप वो कर सकते हो, सॉरी फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल FRS के रिस्पेक्ट में, सॉरी SFR, इस तरीके से आप जो है फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हो। तो हमने दो सोर्स देखे, उसके बाद हमने बहुत सारे तरीके देखे, ठीक है, सोर्सेज बहुत सारे, उसके फिर तरीके देखे। अब आती बात की जो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट है, क्या मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट से भी तो होता है, ठीक है, क्योंकि हमने जो पढ़ रहे हैं फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, ये है टाइप ऑफ मिस स्टेटमेंट, कि मिस स्टेटमेंट इस टाइप से हो सकता है। फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हमने दो सोर्स भी देखे, उसके बहुत सारे वेज देखे। अब मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, तो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट मतलब कि चिंदे पने कर रहे हो आप, मिस अप्रोप्रिएट कर रहे हो एसेट्स को, तो बहुत सारे वेज होते हैं, तो वेज हम अभी देखेंगे। तो वेज टू कमिट फ्रॉड, ठीक है, और फ्रॉड किस टाइप का, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट का, ठीक है, तो इसको कैसे कर सकते हैं, इसका निमोनिक था सेम्पू। सेम्पू का मतलब क्या है, इसमें एम जो है वो साइलेंट है, तो सेम्पू, एस है स्टीलिंग, ये मैं बोल सकते हैं स्टीलिंग फिजिकल एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कि आप जो है टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट को आप स्टील कर रहे हो। ई से इम्बेजलिंग कर रहे हो एसेट की, एम तो साइलेंट है। पी से फिर आता है कि पे फॉर द गुड्स, पी से आता है पे फॉर द गुड्स नॉट टेकन, कि आपने गुड्स आपने रिसीव ही नहीं करे पर उसके रिस्पेक्ट में आपको पेमेंट करना पड़ रहा है, कि ये सब बता दिया कि गुड्स आपने परचेस करे पर आपने परचेस ही नहीं किए हैं और उसके रिस्पेक्ट में पेमेंट हो रहा है। और यू, ठीक है, तो शैम्पू हो गया, तो यू से क्या होता है हमारा, कि आप यूज़ करो एंटिटी के एसेट को, पर्सनल यूज़ करो, तो ये भी मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट है। तो शैम्पू स्टीलिंग फिजिकल एसेट, तो आप स्टीलिंग मतलब चोरी करो फिजिकल एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी स्टील करो। इसे एम्बेजलिंग करो, एम तो ठीक है ये हो गया। पी से पे फॉर द गुड्स, जो आपने रिसीव नहीं करे हैं फिर भी आप इसके लिए पे कर रहे हो। और यू से यूज़, ठीक है, यूजुअली कि एंटिटी के एसेट जो है वो डायरेक्ट पर्सनल यूज़ कर लेते हैं, तो ये सब भी जो है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट है। अब हम पढ़ेंगे फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, राइट। तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स क्या है, ठीक है, तो फ्रॉड, अब फ्रॉड देखो, फ्रॉड रिस्क फैक्टर बोला है, तो फ्रॉड में ना अब आप दोनों लो कि फ्रॉड वाया फ्रॉड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फ्रॉड वाया मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, तो फ्रॉड कैसे भी हो, ठीक है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स है जो फ्रॉड को जन्म देते हैं। या देखो ये जो तुम फ्रॉड बोल रहे हो ना, कि फ्रॉड है, फ्रॉड दो तरीके के होते हैं, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट होता है, फ्रॉड इन दी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, ठीक है। अब इनके जो है अपन ने सोर्सेज देखे हैं कि इनके थ्रू जो है आप फ्रॉड कर सकते हो, इन तरीके से फ्रॉड कर सकते हो, ठीक है, ये तो फ्रॉड है, ये तो तरीके, ये तो सब, ये सब चीज़ें हैं, पर पॉइंट ये है कि देखिए जो तुम चीज़ें देख रहे हो कि जो फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है इतने सारे तरीके से होती है, राइट, और इन सोर्सेज की होती है, ये पर्टिकुलर वेज है फ्रॉड करने के, पर ये क्यों जन्म हो जाते हैं,
भैया ऐसा करना है क्यों भैया, ये होते ही क्यों जन्म है कि हमको इतना सब डिटेल में जानना पड़ रहा है, क्या क्या फैक्टर्स है जिनके कारण ये फ्रॉड हो जाते हैं, राइट। ठीक है, तो हमने जो पढ़ा था कि वेज टू कमिट फ्रॉड, तो वेज टू कमिट फ्रॉड में हमने जो है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से कैसे आप फ्रॉड होता है, ठीक है, ये हमने ताज फैक्ट पढ़े थे। देन इसके बाद जो है वेज टू कमिट फ्रॉड इन रिस्पेक्ट ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, इधर हमने सेम्पू करके एक पढ़ा था कंसेप्ट, ठीक है, जिसमें एम जो है वो साइलेंट था, ठीक है। अब हम जो पढ़ रहे हैं कि चलो ठीक है आपने वेज पढ़ लिया, अब ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स क्या है, राइट, कि फ्रॉड रिस्क फैक्टर कि किन कारणों से ये होता है, ठीक है, ये फैक्टर्स क्या है जिससे ये जो है फ्रॉड रिलेटिंग टू फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट होता है। तो क्या क्या जो फैक्टर्स है, सबसे पहले तो देखो किस कारणों से लोग फ्रॉड करते हैं, इन द सेंस ऐसा समझना का अपने को। तो देखो एक तो होता है कि यार आपके पास बहुत ही प्रेशर है, आप बहुत प्रेशर लगे वर्क करते हो कि इंसेंटिव एंड प्रेशर, तब जो है चोरी कर लेते हो या फ्रॉड कर लेते हो, कि इंसेंटिव है या प्रेशर है। अब प्रेशर आपका वर्क प्रेशर भी हो सकता है या पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, मतलब कि पर्सनल लेवल पर प्रेशर हो सकता है। वर्क प्रेशर इन द सेंस कि यार आपको अनरियलिस्टिक कोई टारगेट देके रखा है, आपको टारगेट अचीव करना है, तो एक वर्क प्रेशर है, तो ऐसे केस में फ्रॉड हो जाता है। या कुछ पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, तो ऐसे केस में जो है आप फ्रॉड कर देते हो। या तो एक पॉइंट होता है कि आप प्रेशर बिल्कुल ही नहीं लेते, तो वो आप फ्रॉड कर सकते हो। एक तो आपको ज़्यादा प्रेशर है तो आप फ्रॉड कर सकते हो, एक तो है कि आप प्रेशर ही नहीं लेते, आपको कुछ डर ही नहीं है किसी बात का, आप हर एक एक्ट को रैशनलाइजेशन कर देते हो। रैशनलाइजेशन मतलब कि आपके एटीट्यूड, कैरेक्टर, एथिकल वैल्यूज ही ऐसी है कि जो आपको फोर्स कर देता है, तो आपका ACE ही ऐसा है कि जो आपको फोर्स कर देता है टू डू द फ्रॉड, ठीक है, ठीक है। और फिर बाद में आपको या तो आपको ऐसे मौके मिलते हैं, मौके इन द सेंस कि पर्सन जिसकी पोजीशन ट्रस्ट वाली होती है जनरली जो है वो ऐसा कर देता है, फ्रॉड कर देता है, या पर्सन जो है जिसको इंटरनल कंट्रोल के बारे में पता है वो ऐसा फ्रॉड कर लेता है। इनफैक्ट ऑनेस्ट पर्सन भी जो है फ्रॉड कर लेते हैं, पर पॉइंट ये है ऑनेस्ट पर्सन भी फ्रॉड कर लेते हैं, पर पॉइंट ये है कि अगर उन पर सफिशेंट प्रेशर डाले तो ऑनेस्ट पर्सन भी जो है फ्रॉड कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा कि जो है हमारे या तो प्रेशर लेते हो, ठीक है, तो प्रेशर इंसेंटिव एंड प्रेशर, ठीक है, टू डू द वर्क, या तो प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेते, मतलब रैशनलाइजेशन ऑफ एक्ट, आपका ACE ही ऐसा है कि इस तरीके से ऐसा हो जाता है। और फिर बात आती है कि तीसरा अपर्सीव्ड अपॉर्चुनिटी इन द सेंस कि आपको सरकमस्टांस ऐसे मिल गए हैं, या तो एक ऐसा हो सकता है कि जो है आप ट्रस्ट वाली पोजिशन में हो, ऐसा हो सकता है कि आपको जब इंटरनल कंट्रोल के बारे में नॉलेज हो। इनफैक्ट ऑनेस्ट पर्सन भी कर देते हैं फ्रॉड अगर इनको सफिशिएंट प्रेशराइज किया जाए तो। फिर इसमें कुछ एक सेपरेट पॉइंट ये भी था कि चांसेस ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन जो हाई वैल्यू आइटम्स के हैं वो मिस अप्रोप्रिएशन के चांसेस उधर ज़्यादा है, राइट। फिर चांसेस ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन मतलब कि जिधर इनएडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल है या सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज प्रॉपर नहीं है, एक ही बंदा सारे काम कर रहा है, तो ऐसे कैसे मिस अप्रोप्रिएशन के चांसेस ज़्यादा है। तो हमने पढ़ा क्या है, एक तो मीनिंग एंड नेचर ऑफ फ्रॉड पढ़ा, ठीक है, फिर जो है मिस स्टेटमेंट के सोर्सेज देखे, फिर सोर्सेज के बाद हमने वेज भी देखे, एंड देन जो है हमने ये फ्रॉड क्यों होते हैं, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स ये भी देखे। अब पॉइंट ये है, अब हम पढ़ेंगे ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव ऐसे 240 में क्या है, हर ऐसे में ऑडिटर का एक अलग ऑब्जेक्टिव रहता है। तो अभी अपन बोल रहे हैं कि ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो ऐसे 240 में क्या बोल के रखा है, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉड के रिस्पेक्ट में क्या है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव यही है कि वो आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है, फ्रॉड को, आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, ठीक है। अब इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड है, और फिर वो दो टाइप आ जाते हैं, ठीक है, ठीक है, फ्रॉड इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फ्रॉड इन रिस्पेक्ट ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। तो वो आइडेंटिफाई करता है कि इस फ्रॉड से क्या रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एंड देन उसके बाद जो है रिस्पॉन्ड करता है। तो IAR बहुत ही एक ईजी है, IAR मतलब आइडेंटिफाई करना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट वाई फ्रॉड, असेस करना, और उसके बाद जो है फिर पर्टिकुलर रिस्पॉन्ड करना। जब वो आइडेंटिफाई करता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो फिर वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर करता है उसको असेस करने के लिए, ठीक है, उसके रिस्क को असेस करने के लिए, ठीक है, कि वो कितना रिस्की है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, एंड जो है एविडेंस गैदर करता है उस असेस द रिस्क के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आप आइडेंटिफाई करोगे रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, ठीक है, इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आइडेंटिफाई करने के बाद आप जो है उसको असेस करोगे, आप गैदर करोगे एविडेंसेस, एंड जो है रिस्पॉन्ड करोगे अप्रोप्रिएटली। अब पॉइंट देखें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फ्रॉड की होती है,
मतलब ऑडिटर भी आइडेंटिफाई से उस पर रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। और जो फ्रॉड होता है, जो प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड है, तो प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड की जिम्मेदारी कि हम प्रिवेंट और डिटेक्ट करेंगे, हम इसको रोकेंगे, और अगर चलो कभी फ्रॉड हुआ तो हम इसको डिटेक्ट भी करेंगे, ये जिम्मेदारी तो वैसे तो प्राइमरीली मैनेजमेंट की होती है। पर ठीक है, ऑडिटर भी जो है अपने लेवल पे, ऑडिटर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। पर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मैनेजमेंट की होती है। अब पॉइंट ये है कि इन केस ऑफ नॉन डिटेक्शन ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ठीक है। अब जैसे ऑडिटर तो आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, असेस करता है, रिस्पॉन्ड करता है, तो वो आइडेंटिफाई असेस करता है रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट जो फ्रॉड से हो रहे हैं, ठीक है, एंड देन उस पर रिस्पॉन्ड करता है। देर में भी सिचुएशन जहाँ पे जो है ऑडिटर नहीं पता कर पाए, आइडेंटिफाई या असेस नहीं कर पाए, क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशन है। ऑब्वियसली बात है, ऑडिटर जो है 100% पॉपुलेशन पे तो चेकिंग करता नहीं है, ठीक है, वो तो सैम्पल साइज करता है, उसका कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन है। इसी कारण हो सकता है कि कुछ नॉन डिटेक्शन ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का, तो देखो एक तो इनहेरेंट लिमिटेशन कि इवन तो जो है ऑडिट हमने प्रॉपरली प्लान करके रखा है, हमने ऐसे के मुताबिक कर रहे हैं, पर देयर आर सम अनअवॉइडेबल रिस्क, कुछ रिस्क तो ऐसे होते हैं जिसको हम अवॉइड बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और जो हो सकता है विच लीड सम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो कुछ मिसस्टेटमेंट, कुछ रिस्क जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, कि मैं तो इस पर्टिकुलर रिस्क को अवॉइड ही नहीं कर सकता, अब तो ऐसे केस में हो सकता है विच कैन लीड टू सम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और हो सकता है कि वो हो और हम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाए, ठीक है। तो हमने यही समझा है कि जो है इनहेरेंट लिमिटेशंस है, इसलिए हम जो है डिटेक्ट नहीं हो। ओके, तो इधर क्या है रिस्क ऑफ, देखो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि रिस्क एसोसिएट विद नॉन डिटेक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। हमने समझा भी था कि रिस्क एसोसिएटेड कि हम डिटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे, ऑब्वियसली बात है इनहेरेंट लिमिटेशन है, लेस देन 100% पॉपुलेशन पे तो हम चेक कर रहे हैं तो एक रिस्क तो रहेगा, राइट। साथ ही साथ जो है ये भी देखना है कि जो डिटेक्शन रिस्क है, डिटेक्शन रिस्क अगर रिस्क अराइज हो रहा है फ्रॉड से, उसका डिटेक्शन रिस्क, ठीक है, उसका डिटेक्शन रिस्क मतलब कि हायर रहेगा, रिस्क जो फ्रॉड से हो रहा है, रिस्क अराइज फ्रॉम द फ्रॉड, ठीक है, उसका डिटेक्शन रिस्क हायर है देन द रिस्क अराइज फ्रॉम द एरर। फिर फ्रॉड डन बाय मैनेजमेंट, उसका डिटेक्शन रिस्क ज़्यादा है देन द फ्रॉड डन बाय एम्प्लॉय। तो इस तरीके से जो है हमने पर्टिकुलर चीज़ को देखा। अब जो है अब आती बात ऑडिटर की ड्यूटीज़ की, तो अभी अपन ने ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी थी, अब हम ऑडिटर की ड्यूटीज़ देखेंगे। तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने देख ली, ठीक है, तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देख ली, और हमने जो है ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव, सो हमने जो है अभी तक ये देखा है कि रिस्क ऑफ नॉन डिटेक्शन, ठीक है, तो हमने जो है इधर रिस्क ऑफ नॉन डिटेक्शन, देखो डिटेक्शन नहीं कर पाने का रिस्क तो है, ठीक है, अभी आप इतना बोल रहे हो कि रिस्क जो है वो फ्रॉड से हो रहा है, पर डिटेक्ट नहीं कर पाने का रिस्क भी है, ठीक है। और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी की हमने बात कर ली, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव भी यही है कि आइडेंटिफाई करना है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है, आइडेंटिफाई एंड देन असेस देन रिस्पॉन्ड टू द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है। फिर हमने फैक्टर्स देखे कि किस फैक्टर्स के कारण जो है ये रिस्क हो जाती है, राइट। अब ऑडिटर की ड्यूटी, कि ऑडिटर की ड्यूटी अब क्या है, तो ऑडिटर की ड्यूटी क्या है फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। देखो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैनेजमेंट की होती है, ठीक है, ऑफ प्रिवेंशन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। अब ऑडिटर की क्या ड्यूटी है इस ऐसे में, तो बोल के रखा है कि ऑडिटर को एक रीजनेबल एश्योरेंस लेना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल डेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर फ्रॉम फ्रॉड और एरर। तो उसकी ड्यूटी सिर्फ यही है कि वो एक रीजनेबल एश्योरेंस ले कि पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, भले वो फ्रॉड से हो या एरर से। अब एक रीजनेबल एश्योरेंस लेने के लिए आपको एक एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म होना चाहिए, ठीक है, तभी तो आप एक अलर्टनेस, एक स्केप्टिसिज्म होना चाहिए, क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए, तब जाके आप जो है रीजनेबल एश्योरेंस ले पाते हो, राइट। पर ऐसा है कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है, इससे ही एक पॉइंट कनेक्ट होता है। देखो एक तो अपन ने पढ़ा कि ऑडिटर को रीजनेबल एश्योरेंस लेना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो, उसके सिर्फ यही जिम्मेदारी है रीजनेबल एश्योरेंस होने के लिए। ऑडिटर के पास एक प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर क्वेश्चन को संदेह के नज़र से देखे। बोलने का मतलब ये है कि इन जनरल ऑडिटर तो जो है एक्सेप्ट करेगा एज अ जेन्युइन, ठीक है, डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड रिटर्न जो है ऐसा जेन्युइन ही वो एक्सेप्ट करेगा। पर अगर कंडीशन ये कॉज करता है बिलीव करने को, इफ कंडीशन कॉज ऑडिटर, ये कंडीशन जो है वो ऑडिटर को कॉज करता है कि भाई तू बिलीव कर, ठीक है, दैट कॉज ऑडिटर टू बिलीव दैट डॉक्यूमेंट इज नॉट ऑथेंटिक, तो ऐसे केस में जो है इन्वेस्टिगेशन फर्दर करना पड़ता है, राइट। फिर रिस्क ऑफ मटेरियल फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट फ्रॉड से हो या एरर से हो। अब देखो अब ऐसा बोल के रखा है कि ये भी समझो कि जो भले ही फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट फ्रॉम फ्रॉड हो सकता है, इवन दो
इवन दो भैया आपका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा है, तो ऐसा नहीं है कि किसी क्लाइंट का पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा है तो वो अभी नहीं कर सकता, तो वो फ्रॉड के चांसेस हो सकते हैं इवन दो जो है पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा है। तो जैसे कि हमने बात करी कि एक प्रोफेशनल रीजनेबल एक्सपीरियंस तभी होगा जब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म होगा, प्रोफेशनल एटीट्यूड होगा एंड प्रोफेशनल जो है, इसका मतलब ये नहीं कि हम क्वेश्चनिंग माइंड ही हो जाए, जनरली हम सब चीज़ों को तो जो है ऐसा जेन्युइन ही एक्सेप्ट करते हैं, पर अगर कंडीशन कुछ वारंट करती है तो हम जो है इस पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जैसे कि बोल के रखा था कि अगर इनकन्सिस्टेंसी कंडीशन कैसे दिख रहे हैं, जैसे कि इनकन्सिस्टेंसी इन ऑडिट एविडेंस, रिटर्न कन्फर्मेशन कुछ अलग बोल रहा है, बैलेंस कुछ अलग है, तो जब इनकन्सिस्टेंसी दिख रही है तो ऐसे केस में इन्वेस्टिगेशन जो है हम फर्दर करते हैं। सी तो हमने देख लिया ऑडिटर की ड्यूटी क्या होती है कि एक रीजनेबल एश्योरेंस लेना कि जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल क्या वो फ्री है फ्रॉम द मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है, क्या वो फ्री है फ्रॉम द मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर फ्रॉम फ्रॉड और एरर। फिर रीजनेबल एश्योरेंस लेने के लिए प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म होना चाहिए, और वैसे तो हम हमेशा क्वेश्चनिंग माइंड नहीं होगा, पहले तो हम चीज़ें जेन्युइन ही समझेंगे, कुछ अगर दिक्कत रहेगी तो हम इन्वेस्टिगेट करेंगे फर्दर, जैसे कोई एविडेंस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन हो तो। अब जो है ये भी समझना पड़ेगा कि फ्रॉड तो तब भी हो सकता है इवन दो, फ्रॉड तो तब भी हो सकता है इवन दो जो है पास्ट एक्सपीरियंस आपका अच्छा है। चलो ठीक है, आपने इन्वेस्टिगेट करा, आपको कुछ कंडीशंस मिली, आपने जो है कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस मिले, आपको कुछ आपने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करा और आपको सर्कमस्टेंस दिख रहे हैं मिस स्टेटमेंट के, तो आप पहले देखो कि क्या ये जो मिस स्टेटमेंट है क्या ये फ्रॉड से है, एरर से है, जो भी है। और अगर फ्रॉड से है तो देखो कि ये जो है, क्योंकि फ्रॉड ही हम पढ़ रहे थे, ऑब्वियस बात है मिस स्टेटमेंट फ्रॉड से ही होगा, तो इसका इम्प्लीकेशन क्या है, ये जो मिस स्टेटमेंट है इसका इम्प्लीकेशन क्या है अदर एस्पेक्ट पे, कि मेरा इधर फ्रॉड है इसका इम्प्लीकेशन क्या है अदर एस्पेक्ट ऑफ फ्रॉड पे, अदर एस्पेक्ट ऑफ ऑडिट पे जो है इसका इम्प्लीकेशन क्या है, ठीक है। अगर कुछ इंडिकेशन आपको मिल गए हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके, तो इसका इम्प्लीकेशन क्या है अदर एस्पेक्ट ऑफ द ऑडिट पे, पर्टिकुलरली क्या अब मैनेजमेंट पे भरोसा करना चाहिए, ये सब भी देखना पड़ेगा कि इसका अदर ऑडिट एस्पेक्ट पर क्या है इम्प्लीकेशन, क्या मैनेजमेंट की रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पर भरोसा करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो फ्रॉड होता है वो अनलाइकली टू बी आइसोलेटेड, फ्रॉड कभी भी आइसोलेटेड नहीं होता है, इसके कनेक्शंस रहते हैं, तो ऐसे केस में जो है आप कम्युनिकेट करोगे कुछ ऐसा फ्रॉड मिला है या जो आपको जो है इंडिकेट कर रहा है कि फ्रॉड है और उसके इम्प्लीकेशंस है, कि एक जगह फ्रॉड हुआ है इसके इम्प्लीकेशन है अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट में, तो ऐसे केस में जो है तो आपने देखा कि आपको जो है मिस स्टेटमेंट के सर्कमस्टेंसेस मिले क्योंकि आपने इन्वेस्टिगेशन करा फर्दर, ठीक है। फिर आपने देखा कि इन्वेस्टिगेशन है तो क्या ये फ्रॉड से हुआ है, चलो ठीक है, तो इसका अदर जो है ऑडिट एस्पेक्ट पे इसका जो है क्या इम्पैक्ट है, क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की रिलायबिलिटी पे या क्या मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे डाउट क्रिएट हो रहा है, जो भी है आप जो है ऐसे केस में आप कम्युनिकेट करोगे, क्योंकि ये आपको रिलायबिलिटी पे डाउट क्रिएट कर रहा है, तो ऐसे केस में आप कम्युनिकेट करोगे मैनेजमेंट TCWG को, रेगुलेटरी बॉडीज़ को भी कर सकते हो अगर लॉ बोले तो। अब मैंने आपको बोला कि ऑडिटर तो रीजनेबल एश्योरेंस देता है, पर उसको जब गड़बड़ दिखती है तो वो इन्वेस्टिगेशन करता है फर्दर। अब जैसे कि आपको वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में गड़बड़ दिख रही, ठीक है, कि आपने जो है आर्बिट्ररी वैल्यूएशन करा है, ये सर्कमस्टेंस ऑफ मिस स्टेटमेंट है, या कुछ बोलते हैं हम टीमिंग एंड लेडिंग फ्रॉड होता है, ठीक है। और जैसे कि कुछ एक्सपेंसेस आपने एडवांसेस में बुक कर लिए, क्या एक्सपेंसेस बुक नहीं करना था पर आपने ज़बरदस्ती का उसका एक्सपेंस बुक कर लिया, आगे के खर्चों को भी अभी बुक कर लिया, ठीक है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जब आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे तो ये जो है सर्कमस्टेंसेस है, ठीक है। जब आप इन्वेस्टिगेशन करोगे फर्दर, मतलब ये इंडिकेशन है एक तरीके से, आप इन्वेस्टिगेशन करोगे फर्दर आपको दिख रहा है अगर सर्कमस्टेंस दिख रहे हैं तो ऐसे केस में जो है देखो कि ये फ्रॉड है, एरर है, गलती है, क्या है इसका कुछ अदर एस्पेक्ट पे, कुछ इसका इम्पैक्ट है क्या, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पे डाउट, मैनेजमेंट पे डाउट क्रिएट हो रहा है क्या, कम्युनिकेट करो TCWG को जो है। और अगर निकल गया फ्रॉड है एक तरीके से, तो ऐसे केस में जो है बेटर है कि जो है आप रेगुलेटरी बॉडीज़ को भी कम्युनिकेट करो, क्योंकि आप मैनेजमेंट और TCWG को कम्युनिकेट करोगे और आप बोलोगे कि ये फ्रॉड तो है, ठीक है, ये रिलायबिलिटी पे डाउट तो क्रिएट कर रहा है, राइट। अब पॉइंट ये है कि अब आपके लिए ऑडिट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, और क्योंकि एक लेवल पे है और आपके लिए पॉसिबल करना नहीं है ऑडिट। तो सबसे पहले तो देखो आपको कुछ गड़बड़ मिली, अदर एस्पेक्ट में भी गड़बड़ मिली और मैनेजमेंट की रिलायबिलिटी पे भी डाउट है, तो आपने जो है कम्युनिकेट करा, ठीक है। और लॉ रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी बोल सकते हैं अगर, ठीक है, अगर सर्कमस्टेंस वारंट करे तो, पर जो भी है कम्युनिकेट करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि ये कोई पॉसिबल नहीं है कि मैं ऑडिट कंटिन्यू कर सकूं, तो ऐसे केस में जो है बनती बात है कि फिर तब आप देखो क्या कि प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है, उस सर्कमस्टेंस में कंसीडर द प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि क्या ऑडिट करने का है, कि क्या कहीं रिपोर्टिंग करने की, ठीक है,
जिसने रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट टी सी डब्ल्यू जी पर्सन जिसने अपॉइंटमेंट करा है रेगुलेटरी बॉडीज को। और अगर आपको लग रहा है कि यार ठीक है ये ऑडिट आप कर सकते हो तो ऐसे कैसे जो है आप इन्वेस्टिगेट करोगे फर्दर, ठीक है, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे। तो सबसे पहले तो अगर आप जब नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे केस में आप जो है अपनी प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखोगे कि यार देखो ये कर देना चाहिए, ठीक है, अपनी पहली जिम्मेदारी पूरी करो, फिर देखो कि क्या इंगेजमेंट को विड्रॉ करने की पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। अगर है तो फिर आप जो है अभी तो आपने मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करा सारी जिम्मेदारी, फिर जो विड्रॉ की बात है वो भी आप मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर दोगे रीजंस के साथ कि देखो ये मैं जो है विड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, रीजंस के साथ। और फिर तब आपकी वापस से आपने प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो कि जिन्होंने अपॉइंट किया रेगुलेटरी अथॉरिटी इनको क्या बताना रहेगा रीजंस के साथ ये सब चीज़ें। तो देखो आप तो बहुत सारी चीज़ें एक बार कम्युनिकेट करेगी। देखो आपको पहले जो जब गड़बड़ थी तो आपने जो है मैनेजमेंट टी सी डब्ल्यू जी को इन सबको जो है कम्युनिकेट करा, फिर आपको लग रहा है कि मिस स्टेटमेंट है, ठीक है, सॉरी आपको लग रहा है कि ऑडिट करना कंटिन्यू नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने गड़बड़ रिपोर्ट करी, अब आपको लग रहा है ऑडिट करना कंटिन्यू नहीं सही लग रहा है आपको, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ऐसे केस में जो है आप अपनी प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखोगे कि क्या ये सब चीज़ें बताना चाहिए क्या, ठीक है, और फिर रेगुलेटरी बॉडीज कोई लॉस है तो और क्या विड्रॉ करना सही रहेगा क्या, क्योंकि विड्रॉ करना सही है तो ऐसे केस में जो है अगर विड्रॉ की पॉसिबिलिटी है तो ऐसे कैसे आप वो विड्रॉ वाला कम्युनिकेशन भी बिल्कुल रीजन के साथ करोगे। देखो अब इसमें देखो एक चीज़ समझने की और है कि जब हमको कुछ गड़बड़ मिलती है हम मैनेजमेंट और टी सी डब्ल्यू जी को बताते हैं जाके, ठीक है, और फिर अगर हमको लग रहा है कि ये पॉसिबल इज इट पॉसिबल टू कंटिन्यू ऑडिट, ठीक, ये जो पॉसिबिलिटी है ना हम जैसे कम्युनिकेट करा मैनेजमेंट को टी सी डब्ल्यू जी को और फिर ये पॉसिबिलिटी इसके बीच में एक गैप है, ये गैप का फिलर ऐसा है कि हमने मैनेजमेंट और टी सी डब्ल्यू जी को कम्युनिकेट करा, मैनेजमेंट और टी सी डब्ल्यू जी ने जो है प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया तो अच्छी बात है, उसके बाद हम जो है चेक करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी है टू ऑडिट टू कंटिन्यू टू ऑडिट। अगर प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं किया इन्होंने क्या हमको नहीं पता यार गड़बड़ तुमको मिली होगी जो भी है, तो हम ऐसे केस में एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे ये पता करने के लिए कि गड़बड़ी कहाँ से क्या आ रही है। फिर उसमें भी अगर हम ये नहीं पता कर पाएंगे तो फिर हम देखेंगे कि क्या ऑडिट को कंटिन्यू करना पॉसिबल है, मतलब कि कल को मैनेजमेंट ने मना कर दिया या मैनेजमेंट ने प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑडिट छोड़ दोगे या अपने नहीं कंटिन्यू करने पे सवाल उठाओगे। अगर मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं आया तो आप ऐसे केस में एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाते हो, ठीक है, देखते हो क्या मैनेजमेंट ने इधर मना किया है तो उसका इम्प्लीकेशन क्या है मेरे ट्रू एंड फेयर व्यू पे, ठीक है। आप ये पर्टिकुलर फैक्ट जो है ऑडिट रिपोर्ट में देखोगे, आप इंश्योर करोगे कि जो है प्रॉपर डिस्क्लोजर दिया जाए जो भी है, ठीक है, आप इम्पैक्ट कंसीडर करोगे, फिर आप जो है अपने पे क्वेश्चन करोगे कि अगर आपको जो है सपोर्ट नहीं मिल रहा है या अगर आपको एविडेंस नहीं मिल रहा है तो ऐसे केस में जो है आपकी प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। फिर ये देखोगे कि अगर क्या विड्रॉ करने का ऑप्शन है, अगर विड्रॉ करने का ऑप्शन है तो आप विड्रॉ भी कर लोगे, राइट। अब देखो इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप विड्रॉ करते हो तो आपको ADT 3 एज एन ऑडिटर आपको ADT 3 सबमिट करना पड़ता है कंपनी को, रजिस्ट्रार को, कंपनी को और रजिस्ट्रार को आपको ADT 3 सबमिट करना पड़ेगा विड्रॉ करने के बाद इन 30 डेज फ्रॉम रेजिग्नेशन, कि रेजिग्नेशन हुआ 30 डेज के बाद आप जो है विड्रॉ कर लो। तो ऐसे जैसे मैं आपको सर्कमस्टेंसेस के बारे में बताया ही है क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है, कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में कुछ दिख रहा है, टीमिंग एंड लेडिंग फ्रॉड है, एक्सपेंसेस का एडवांस में बुक करा है, कंट्रोल अकाउंट और सब्सिडियरी रिकॉर्ड में अंतर है, तो ये जो है सर्कमस्टेंसेस वारंट करते हैं इस सर्कमस्टेंसेस पर जो है हम फर्दर इंक्वायरी करते हैं और फिर ये देखते हैं कि क्या मिस स्टेटमेंट है इस पर जो है हम इसका अदर इम्प्लीकेशन क्या है ऑडिट एस्पेक्ट पे इम्प्लीकेशन क्या है, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी को इवेल्यूएट करते हैं, रिलायबिलिटी पे एक डाउट आता है, ठीक है, ये सब चीज़ें रहती है। और फिर जो है अगर लग रहा है राइट कि ये सब चीज़ें हो रही है अदर ऑडिट पे इम्पैक्ट है जो भी हम उनको कम्युनिकेट करते हैं उनका प्रॉपर रिस्पॉन्स आता है तो ठीक है, नहीं तो हम जो है अपने लेवल पे जो है एविडेंस को गैदर करते हैं और एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं, राइट। अगर आपको प्रॉपर सा एविडेंस नहीं मिल रहे तो ऐसे केस में जो है आप अपने कंटिन्यू करने पे क्वेश्चन करते हो कि क्या पॉसिबल है ऑडिट कंटिन्यू करना, फिर नहीं है तो आप अपनी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हो जो है, फिर आप ये देखते हो कि क्या विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, अगर विड्रॉ कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो जो है कर सकते हैं तो आप ऐसे केस जो है आप वापस से कम्युनिकेट करोगे रीजंस के साथ, राइट, और जो है अथॉरिटीज़ को भी कम्युनिकेट करोगे। ऐसे 240 के अंदर भी कुछ मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबसे पहले तो इंटरनल कंट्रोल की बात आती है कि डिजाइन इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल टू प्रोटेक्ट फ्रॉड, क्या आप कह सकते कम से कम इतना इंटरनल कंट्रोल हो टू प्रोटेक्ट फ्रॉड, ठीक है। और फिर बात आती है कि ये तो इंटरनल कंट्रोल क्यों गई, राइट, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इंटरनल कंट्रोल की आती है, भाई दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ये है कि
कि जो भी फ्रॉड थे, एक्चुअल फ्रॉड, पॉसिबल फ्रॉड जो भी है, तो मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज कर दिया है सारा नॉलेज जो भी उनको फ्रॉड के बारे में पता था, ठीक है। और डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल के साथ साथ ये भी लिख दो कि इम्प्लॉयज़ जो है, जो इसका सिग्निफिकेंट रोल है इंटरनल कंट्रोल में, ठीक है, और अदर्स वेयर द फ्रॉड कुड हैव अ मटेरियल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देखो ये तो छोड़ो, डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड इम्प्लॉयज़ जिनका मेजर रोल है, ठीक है, सिग्निफिकेंट रोल इन इंटरनल कंट्रोल, कि इनका रोल है, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल में, तो ठीक है, डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड इम्प्लॉयज़ जिनका कंट्रोल ओवर इंटरनल कंट्रोल। फिर दूसरा पॉइंट ये आता है कि जो है मैनेजमेंट डिस्क्लोज, ठीक है, मैनेजमेंट डिस्क्लोज द रिजल्ट, कि जो भी फ्रॉड रिस्क असेसमेंट, देखो हमने इंटरनल कंट्रोल करा, हमने फ्रॉड रिस्क असेसमेंट भी करा, तो उसका जो भी रिजल्ट है वो हम आपको बता रहे हैं, साथ ही साथ जो भी हमको नॉलेज है एक्चुअल फ्रॉड का, पॉसिबल फ्रॉड का, जिसमें मैनेजमेंट इंप्लॉय जो भी इन्वॉल्व है, एलिगेशन ऑफ फ्रॉड का, वो भी हम आपको सब बता रहे हैं। तो इंटरनल कंट्रोल, हमारा खुद का असेसमेंट, साथ ही साथ जो हमको भी फ्रॉड पता चले हैं, वो सारे की सारी चीज़ें हमने आपको बताई है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन, तो रही बात, आपको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, क्या आपने पहले एंटिटी को समझा, आपके एनवायरमेंट को समझा, ठीक है, क्योंकि आपको ले सके आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आइडेंटिफाई, असेस और रिस्पॉन्ड करना, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए पहले आप तो अंडरस्टैंडिंग करोगे एंटिटी, उसके एनवायरमेंट को, ठीक है, तो उससे आप आइडेंटिफाई और असेस करोगे, ठीक है, फिर उसमें रिस्पॉन्ड करोगे। तो आपने आइडेंटिफाई असेस जो है, आपने जो है आइडेंटिफाई असेस करा, देन उस पर जो आप जो है रिस्पॉन्ड करोगे, फिर वही है कि अगर आपको कुछ सर्कमस्टेंसेस दिख रहे हैं, ठीक है, रिस्पॉन्स में हो सकता है ना कि आप जो है कुछ कम्युनिकेशन आपने मैनेजमेंट और TCWG को करे थे, ठीक है, उनका, तो वो आप कम्युनिकेशन वो भी, ठीक है। और रीजन फॉर नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिलेटिंग टू रिवेन्यू रिकॉग्निशन, कि जो हमारा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का, मिसस्टेटमेंट का जो प्रिजम्पशन है, ठीक है, वो नॉन एप्लीकेबल है, ठीक है, रिवेन्यू रिकॉग्निशन में। तो वो रीज़न बताना है कि हमने वो जो है इधर क्यों नहीं अप्लाई करा, कहीं आपने जो है कहीं अप्लाई नहीं करा होगा नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का जो प्रिजम्पशन है इन रिवेन्यू रिकॉग्निशन, तो जो है रीज़न बताओ कि आपने क्यों नहीं करा। तो देखो हमने जो है डॉक्यूमेंटेशन वाला देख लिया, हमने जो देख लिया मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, हमने ये भी देख लिया कि जब जो है सरकमस्टेंसेस जो इंडिकेट करते हैं मिस स्टेटमेंट को, ठीक है, तब जो है फिर मिस स्टेटमेंट को इंडिकेट करते हैं आपको, और आपको पता चलता है कि मिस स्टेटमेंट फ्रॉड से हुए हैं, तो आप क्या करते हो ऐसे सिचुएशन में। फिर हमने जो है ये देखा कि ऑडिटर की ड्यूटी क्या होती है, पहले तो भैया रीजनेबल एश्योरेंस लेना कि फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो, रीजनेबल एश्योरेंस है तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म होना चाहिए, पर हमेशा क्वेश्चनिंग माइंड नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जो है फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो, वेदर फ्रॉम फ्रॉड और एरर, फिर फ्रॉड में ये ध्यान रखना है कि पुराना काम अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि फ्रॉड नहीं हो सकता, ये सब चीज़ें थी। फिर हमने इनहेरेंट लिमिटेशन पढ़ा कि इनहेरेंट लिमिटेशन के कारण डिटेक्शन रिस्क होती है, वो किस सिचुएशन में डिटेक्शन रिस्क ज़्यादा है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मैनेजमेंट की होती है, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है आइडेंटिफाई करना, असेस करना, एविडेंस गैदर करना, ठीक है, ठीक है, तो ऐसे कैसे फिर उसके बाद रिस्पॉन्ड करना, तो जो रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट एंड जो है फिर फ्रॉड रिस्क फैक्टर कि किन किन कारण से फ्रॉड होते हैं, तो अपन ने समझा था इधर कि या तो इंसेंटिव या प्रेशर है, या तो प्रेशर नहीं है, मैं हर चीज़ को रैशनलाइज कर देता हूँ, या तो मेरे पास एक परसीव्ड अपॉर्चुनिटी है, दिखती है मुझे एक अपॉर्चुनिटी जिसमें फ्रॉडलेंट एम्प्लॉय तो है ही है, ऑनेस्ट एम्प्लॉय भी जो है कर लेते हैं, और रही बात है तो जिनके पास ट्रस्ट की पोजिशन है, जिनको इंटरनल कंट्रोल, जिनको वीकनेस के बारे में पता है, देन उसके बाद जो आता है किस तरीके से आप जो है फ्रॉड कमिट कर सकते हो, तो अपन ने इधर सेम्पू पढ़ा था, राइट, सेम्पू पढ़ा था कि इस तरीके से आप फ्रॉड कमिट कर सकते हो इन इनके सब मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, बाकी आपने ताज फैक्टर पढ़े थे, ठीक है, तो इससे आप जो है कर सकते हो मिस अप्रोप्रिएशन, सॉरी फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से आप जो है फ्रॉड क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, मीनिंग ऑफ फ्रॉड पढ़ा था, ठीक है, और फ्रॉड के टाइप पढ़े थे, ठीक है। तो बचाओ जो ऐसा 240 का पोर्शन है वो हम लेटर स्टेज में कवर करेंगे, पर ठीक है एटलीस्ट आपको ये तो समझ में आया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम जो है ऐसे 240 के जो है हम आगे का पोर्शन कवर करेंगे। ओके बाय।